तो भाई साहब, मैंने अपने लास्ट के सेकंड वीडियो में आपको अलर्ट किया था कि कोई भी करेंसी चेन के अंदर में ना ही नए पैसे इन्वेस्टमेंट करेगा, ना ही री इन्वेस्टमेंट करेगा, और ना ही किसी नए बंदे को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। बस जो है ना, ये जाने वाला है, मैंने आपको अलर्ट कर दिया था। और फाइनली वही चीज हुआ है, इन्होंने अपना झांसा देना शुरू कर दिया है और अपनी नौटंकी दिखानी शुरू कर दी है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम कार्ड बनाएंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे, आपका आईडी कार्ड बनेगा, आप यहाँ पे 7,000 रुपए, 6,600 रुपए, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट बता रहे हैं कि आप फलाना ढिमकाना डाल लो यहाँ पे, उसके बाद में फिर हम कार्ड बना देंगे, उसके बाद में आपका पेमेंट चला जाएगा। अरे भैया, जब पहले सही से पेमेंट दे पा रहे थे विदाउट कार्ड के, तो अब भी दे सकते हो। अगर नहीं देने पैसे, साफ साफ बोल दो कि नहीं देंगे पैसे, झांसा देने की क्या जरूरत है? और फिर से पैसे लेने का क्या मतलब बनता है? पहले जो लियो उसे तो हक दो, उसके बाद मैंने ऐसे पैसे ले लेना। चाहे ये लोग आपको कुछ भी बोले कि हम कार्ड बना रहे हैं, आपका आईडी कार्ड बना रहे हैं, फलाना ढिमकाना चिमकाना कुछ भी अगर आपको झांसा दे, आपको 1 रुपए भी पैसे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन लोगों ने पेमेंट देना बंद कर दिया है तो अब ये लोग पेमेंट देना स्टार्ट नहीं करेंगे, इसलिए आपको 1 रुपए भी डालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर फिर से पैसे डालोगे तो भाई आपका मुंह बनने वाला है, क्योंकि फिर से चूना लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने सोचा कि आपको अलर्ट कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग फिर से पैसे डालेंगे, फिर से वो फंस जाएंगे। तो किसी को भी पैसे डालने की जरूरत नहीं, आपको 1 रुपये यहाँ से पैसा अब नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को अपने कैंसी चैन वाले जितने भी दोस्त हैं, ठीक है, उन सभी के साथ में शेयर कीजिए। और साथ ही साथ ये कंपनी कैसे काम करती है, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, www.techmannujohn.in, यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने एक लिंक दे रखा है, जहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो डिवाइसेज के नाम पर इन्वेस्टमेंट कराने वाले प्लान आते हैं, ये कैसे आपको झांसा देते हैं। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट करने से कभी मना नहीं किया है, मैंने बस ये कहा है आपको कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके इन सारे प्लानों में इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओगे, अदरवाइज भाई साहब आपको लॉस ही होना है। इसलिए ध्यान रखो, अब की बारी से अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा सा परख लेना, स्टडी कर लेना उन चीजों के बारे में, उसके बाद ही कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने केएनसी चैनल वालों के साथ में शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर देना यार, कुछ ना कुछ करते नहीं हो भाई। तो क्या नाचोगे?